नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व के प्रमुख घास के मैदान देखे थे, फिर चाहे वो उष्ण घास के मैदान हो या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के मैदान हो। आज बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में, विश्व की प्रमुख नहरें देखेंगे। चलिए तो पहले एक बार हम लोग मैप्स पर नजर डाल। ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। इसमें ये है आपका प्यारा भारत, ये आपका पूरा एशिया है, ये यूरोप लगा हुआ है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका और ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इन्हीं के मैं झीलों के बारे में बात करनी है। तो ये आपकी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये आपका एशिया हो गया, ये यूरोप लग गया, ये आपका अफ्रीका है और ये आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बोलगा नहर के बारे में। ये आपकी बोलगा नहर, बोलगा नहर आपकी संयुक्त राज्य, सॉरी, बोलगा नहर आपकी रूस में अवस्थित है। कहाँ है? रूस में अवस्थित है। यह रूस के प्रमुख पतन नगर रोस्तोव को स्टालिन ग्राड से जोड़ती है बोलगा डॉन नहर। बात करते हैं हम लोग डर्डेनल्स नहर, ये आपकी है डर्डेनल्स नहर। डर्डेनल्स नहर के बारे में आपको याद रखना है, यह नहर आपकी तुर्की में अवस्थित है, यह एजियनियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया व बुल्गारिया के जहाज इसी मार्ग से काला सागर में प्रवेश करते हैं। फिर है आपकी न्यू वाटर बेझील, ये आपकी यहाँ न्यू वाटर बेझील है, बे नहर। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपकी न्यू वाटर वे है जर्मनी में स्थित है। इस नहर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह रोटरडम को उत्तरी सागर से जोड़कर नौगम्ब बनाया गया है। ये आपकी कील नहर है, कील नहर। इसके बारे में याद रखना है कील नहर के बारे में, यह आपकी यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित एक नहर जो उत्तरी सागर को वाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को वाल्टिक सागर से। यही आपकी ये मैनचेस्टर नहर है, मैनचेस्टर नहर। यह आपकी नहर ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। इस नहर के द्वारा मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ा गया है। यही आपकी ये आपकी सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल। यही आपकी ये इंग्लिश चैनल है, कौन सी? इंग्लिश चैनल। यह नगर उत्तरी अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। यह यूरोप का सर्वप्रमुख नहर है, सामरिक दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है आपकी इंग्लिश चैनल, इंग्लिश नहर, ठीक है। ये आपकी यहाँ आपकी चैनल नहर है, कौन सी? चैनल नहर। ये आपकी यहाँ स्वेज नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के पास स्थित इस नहर द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है। यह नगर नहर 1869 में बनाई गई, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। ये आपकी यहाँ पनामा नहर है, पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका के पनामा के पास स्थित इस नहर के द्वारा प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ा जाता है, प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ा जाता है पनामा नहर के द्वारा। ये आपकी वेलेंड नहर है,
यहाँ वेलेंड नहर, वेलेंड नहर, इसके बारे में याद रखिए, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह एरी झील को ऑन्टोरियो झील से जोड़ती है। यही आपकी सू नहर है, सू नहर, सू नहर के बारे में याद रखिए कि यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह सुपियर झील की को इरी झील से जोड़ती है, सुपियर झील को इरी झील से जोड़ती है। ये आपकी इरी नहर है, इरी नहर, इरी नहर, यह नगर नहर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो यह थी आपकी प्रमुख नहरें। चलिए अब इनके बारे में जो पॉइंट है उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। सो नहर, सो नहर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। यह सुपियर झील को इरी झील से जोड़ती है, सो नहर आपकी सुपियर झील को इरी झील से जोड़ती है। फिर आपकी इरी झील या इरी नहर, सॉरी इरी नहर, यह नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, इरी नहर आपकी इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। फिर आपकी वेलेंड नहर, यह नहर आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह इरी झील को ऑन्टोरियो झील से जोड़ती है। फिर आपकी गोटा नहर, यह नहर यूरोप में स्थित है। इस नहर के द्वारा स्टॉकहोम एवं गोटेनबर्ग में आपस में संबंध है। फिर आपकी मैनचेस्टर नहर, यह नहर ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। इस नहर के द्वारा मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ा गया है। फिर आपकी कील नहर, यूरोप के उत्तरी भाग में स्थित इस नहर द्वारा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ा गया है। ठीक है, कील नहर द्वारा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ा गया है। फिर आपकी उत्तरी सागर नहर, यूरोप में स्थित इस नहर द्वारा एम्स्टर्डम को उत्तरी सागर से जोड़कर नौगम्ब बनाया गया है। यह यूरोप में अवस्थित है। न्यू वाटरवे जर्मनी में स्थित इस नहर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह रोटरडम को उत्तरी सागर से जोड़कर नौगम्ब बनाया गया है। बात करते हैं हम लोग पनामा नहर। पनामा नहर आपकी उत्तरी अमेरिका के पनामा के पास स्थित इस नहर के द्वारा प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ा गया है। पनामा नहर के द्वारा कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ा गया है। फिर आपकी स्वेज नहर मिस्र के सीनाई प्रायद्वीप के पास अवस्थित इस नहर के द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है। स्वेज नहर द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा गया है। यह नहर 1869 में बनाई गई थी। इसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है, स्वेज नहर की। ठीक, पर आपकी बोलगा डॉन नहर, यह नहर आपकी रूस में अवस्थित है। बोलगा डॉन नहर आपकी रूस में अवस्थित है। यह रूस के प्रमुख पतन नगर रोस्तोव को स्टोनिल स्टोनिल लिन गार्ड ग्रड से जोड़ती है। फिर आपकी डेनल्स नहर, यह नहर आपकी तुर्की में अवस्थित है। यह एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया व बुल्गारिया के जहाज इसी नहर से काला सागर में प्रवेश करते हैं। फिर है आपकी इंग्लिश नहर, इंग्लिश चैनल के पास एक सुरंग बनाकर इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ा गया है। इंग्लिश चैनल के पास एक सुरंग बनाकर इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ा गया है। इस सुरंग के बन जाने से पेरिस व लंदन रेल मार्ग से जुड़ गए हैं, पेरिस व लंदन रेल मार्ग से जुड़ गए हैं। फिर आपका इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल आपका नगर उत्तरी अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। यह यूरोप का सर्वप्रथम प्रमुख नगर नहर है।
सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आपकी इंग्लिश चैनल। तो चलिए, ये थी आपकी प्रमुख नहरें, क्या थी? विश्व की प्रमुख नहरें। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख हम लोग खनिज संसाधन देखेंगे, ठीक है?